बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल हेल्दी एनर्जी मिल्क, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हेल्दी एनर्जी मिल्क बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए मिल्क, हमने 1 लीटर दूध लिया है, थोड़े से पिस्ता जिसको हमने क्रश कर लिया है, थोड़े से अखरोट, थोड़े से बादाम क्रश किए हुए, और थोड़ी सी हमने खजूरें ली हैं जिसको अच्छे से हमने धो लिया था और बारीक बारीक हमने काट लिया है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम दूध में उबाल आने देंगे। हमने दूध को पहले ही गर्म कर लिया था और इसमें जो मलाई आई थी वो हमने पहले ही उतार ली थी। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आता, हम तब तक इसको गर्म करेंगे। अब ये देखें, दूध में उबाल जो है वो आ गया है। अब हम इसमें खजूरें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि खजूरें जो हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएं। 5 मिनट तक हम खजूरों को दूध में अच्छे से पकाएंगे। अब जो हैं वो देखें, खजूरें जो हैं वो नरम हो गई हैं। अब हम इसमें बाकी के भी ड्राई फ्रूट डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बादाम। आप अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता और अखरोट, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी थोड़ी सी। इससे बहुत ही ज़्यादा दूध में खुशबू आती है और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और 2 से 3 हम डालेंगे हरी इलायची। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं इसमें दूध में, और ये देखिए दूध का कलर भी जो है वो चेंज हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच चीनी। हम चीनी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि खजूर भी जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो सिर्फ हम 2 चम्मच चीनी के डालेंगे। और मिक्स करेंगे। अब हमारा एनर्जी मिल्क जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़े का हमारा एनर्जी मिल्क जो है वो बना है। तो अब हमारा मज़े का हेल्दी एनर्जी मिल्क जो है वो तैयार है, और उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।